हे मार्शमेलोज, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आपको मेरी लास्ट वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ जापानीज़ ज़ॉम्बी मूवी ज़ॉम 100 द बकेट लिस्ट ऑफ द डेड के पार्ट 2 को। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा है तो प्लीज आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पे क्लिक करके पहले उसे पूरा जरूर देखना, ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आए। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 को। तो पिछले पार्ट में हमने केंचो और अकीरा को रेस्टोरेंट में एक साथ बातचीत करते हुए देखा था। फिर अकीरा केंचो को टोक्यो के एक फेमस मरीन एक्वेरियम शो के बारे में बताता है। वो कहता है कि इस शो में एक स्टील हार्मर वाला सूट भी है, जिसकी मदद से वो दोनों खुद को ज़ॉम्बीज के बाइट से बचा सकते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों इस एक्वेरियम की तरफ निकल पड़ते हैं, मगर उससे पहले उन्हें खाने का सामान चाहिए था, इसलिए वो रास्ते में दुकान ढूंढने लगते हैं। और तभी उन्हें एक बस दिखती है जो कि बड़ी तेजी से एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है। उसके आसपास मौजूद ज़ॉम्बीज कार के पैसेंजर को काटने की कोशिश करते हैं, मगर अकीरा उनकी मदद के लिए दुकान का शटर ऊपर करके उन्हें अंदर जाने के लिए कहता है। दोस्तों, इन लोगों में शिज़ुका भी थी। दरअसल ये लोग भी ज़ॉम्बीज से बचने के लिए अकीरा की तरह टोक्यो से बाहर जाना चाहते थे। यहाँ अकीरा और केंचो को पता चलता है कि ये बस भी एक्वेरियम की तरफ ही जा रही थी, क्योंकि उन सब ने ये खबर सुनी थी वो एक्वेरियम ज़ॉम्बीज से सेफ था। और तो और, वहाँ इन लोगों के खाने के लिए मछलियाँ भी थी। दोस्तों, अकीरा और शिज़ुका को ये बात नहीं पता थी कि इन सब लोगों में से एक को ज़ॉम्बी ने काट लिया था, और वो कोई और नहीं बल्कि बस का ड्राइवर था। उसने डर के मारे ये बात सबसे छुपाई हुई थी। शिज़ुका दुकान के दरवाजे चेक करने गई हुई थी, और इसी बीच अकीरा की मुलाकात दो और लड़कियों से होती है, जिनसे बात करके उसे पता चलता है कि वो दोनों एयर होस्टेस थी। यहाँ बैठकर अकीरा इनके साथ मिलकर ड्रिंक करता है, और इसी के साथ उसका एक और ड्रीम भी पूरा होता है। मगर केंचो वहाँ आकर इन दोनों लड़कियों को पटाकर इनके साथ चला जाता है। अब अकीरा को बहुत बोरिंग फील हो रहा था, इसलिए वो शिज़ुका से बात करने की कोशिश करता है। शिज़ुका अभी भी उसे इन सिचुएशंस को सीरियसली हैंडल करने के लिए कहती है। अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक वहाँ बस ड्राइवर आ जाता है। वो ड्राइवर पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका था। अकीरा और शिज़ुका अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं, मगर केंचो अभी भी कमरे में उन दोनों एयर होस्टेस के साथ था। तभी वहाँ वो ज़ॉम्बी आकर उन दोनों लड़कियों को काट लेता है। केंचो खुद को बचाकर वहाँ से भाग जाता है, और फिर केंचो और अकीरा दुकान का शटर उठाकर वहाँ से भाग रहे थे, मगर शिज़ुका को इन तीनों ज़ॉम्बीज ने घेर लिया था। इसलिए उसे बचाने के लिए अकीरा और केंचो दुकान में रखे पटाखों को जलाकर उन ज़ॉम्बीज का ध्यान धमाके की आवाज की तरफ खींचते हैं। उसके बाद ये तीनों दुकान से निकलकर उसी कार में बैठते हैं जो कि अकीरा की ड्रीम लिस्ट में शामिल थी। वो लोग डिसाइड करते हैं कि अकीरा और केंचो शिज़ुका को उस एक्वेरियम में छोड़ देंगे। दोस्तों, ज़ॉम्बी अटैक से पहले शिज़ुका एक डॉक्टर बनना चाहती थी। ये तीनों कुछ ही पलों में दोस्त बन जाते हैं, और ये लोग साथ में मजे भी करते हैं, और अकीरा की ड्रीम लिस्ट में लिखी जगहों पर एक साथ जाते हैं, जैसे कि पैराग्लाइडिंग के मजे लेना, फॉरेस्ट में घूमना, नदी में सर्फिंग करते करते योगा करना, और हॉट स्प्रिंग में नहाना। अब शिज़ुका को भी ये सब करने में मजा आ रहा था। फिर कुछ वक्त बाद ये लोग एक्वेरियम के पास पहुंच जाते हैं, मगर रोड पे किसी ने जानबूझकर कीले बिछाई हुई थी, जिनके चलते इनकी गाड़ी के टायर पंचर हो गए थे, और अकीरा एक्सीडेंट की वजह से बेहोश हो जाता। जब उसे होश आया तो उसे उसके सामने उसका खड़ूस सीनियर कोसुगी दिखाई दे रहा था, जिस पर उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि ये सब उसकी चोट की वजह से उसे दिख रहा था, मगर वाकई में वो कोई ड्रीम नहीं बल्कि उसका नाइटमेयर कोसुगी ही था। उसने इस एक्वेरियम साइट पे शूट करने के लिए यहाँ आने का डिसाइड किया था, मगर ज़ॉम्बीज की खबर सुनने के बाद उसने इस एक्वेरियम को ही अपने ऑफिस में बदल दिया था। वो अकीरा को एक्वेरियम में काम कर रहे लोगों को दिखाता है। दरअसल जो भी सर्वाइवर ज़ॉम्बीज से बचने के लिए यहाँ आते हैं, ये चालाक आदमी उन्हें शेल्टर देने के बदले उनसे बहुत सारा काम भी कराता है। सभी लोग काम में बहुत बिजी थे, कोई मछलियाँ पकड़ रहा था, कोई सामान उठा रहा था, तो कोई एंट्रेंस में कड़ी नजर रख रहा था। दोस्तों, यहीं पर अकीरा की नज़र उसके पड़ोसी कपल पे भी जाती है, यानी कि वो भी जिंदा थे और यहीं पे काम कर रहे थे। इतना ही नहीं बल्कि शिज़ुका और केंचो भी वहाँ काम कर रहे थे। कोसुगी अकीरा को बहुत सारे ज़ॉम्बीज भी दिखाता है, जिन्हें उसने एक्वेरियम में मौजूद जरूरी सामान की निगरानी के लिए रखा हुआ था, ताकि कोई इंसान उसके करीब ना जा पाए। और जब भी उन्हें बाहर से कुछ लाना
इकट्ठा होता है तो वो एक माइक्रोफोन की मदद से उन्हें एक तरफ इकट्ठा कर देता है। फाइनली इतना सब कुछ बताने के बाद वो अकीरा को उसके लिए पहले की तरह काम करने के लिए कहता है और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसे और उसके दोस्तों को बाहर निकाल देगा। फिर अपने दोस्तों की खातिर अकीरा को अपनी ड्रीम्स की जगह अपने दोस्तों को चुनना पड़ता है। दोस्तों, अकीरा एक बार फिर उसी कॉर्पोरेट सर्कल में फंस जाता है जिससे वो नफरत करता था। दूसरी तरफ केंचो और शिजुका को दिखाया जाता है जिनसे कोसुगी काम तो बहुत सारा करवाता है मगर खाने में उन्हें बहुत कम खाना दिया जाता है, जबकि कोसुगी और उसके आदमी बहुत बढ़िया खाना एंजॉय करते हैं। ये देखकर केंचो अपनी टेबल से उठकर उससे लड़ने जा ही रहा था पर वो ये बात भी जानता था कि कोसुगी उसकी इस हरकत के चलते उसे और उसके दोस्तों को भी बाहर निकाल देगा, इसलिए केंचो और शिजुका वहां से भागने का फैसला करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक सप्लाई ट्रक को देखते हैं जिसमें से एक जॉम्बी बाहर निकल गया था। वो जॉम्बी उस आदमी को काट लेता है और देखते ही देखते एक्वेरियम में मौजूद सभी वर्कर जॉम्बीज बन जा रहे थे और जब वो कोसुगी के पास पहुंचे तो कोसुगी ने खुद को बचाने के लिए अपने ही आदमियों को जॉम्बीज के सामने धकेल दिया था। वो सिर्फ खुद को ही बचाना चाहता था जबकि अकीरा और उसके दोस्त बाकी बचे वर्कर्स की मदद करने के लिए इन्हें कमरे में बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि एक्वेरियम में भटक रहे खतरनाक जॉम्बीज में से एक शार्क टैंक में भी घुस गया था और उसे शार्क ने खा लिया था। फिर कमरे में अकीरा को कोसुगी कहीं भी नजर नहीं आ रहा था इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए बाहर भागा था, पर जैसे ही ये लोग बाहर जाते हैं तो इन्हें एक भयानक मंजर देखने को मिलता है जो कि एक शार्क का था जो एक जॉम्बी बन चुकी थी। उसे देखने के बाद केंचो, अकीरा और बाकी सबको खुद की आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था मगर उन्हें लग रहा था कि उन्हें इससे कोई खास खतरा नहीं था क्योंकि वो तो एक मछली थी और वो बिना पानी के उन तक नहीं पहुंच सकती थी। मगर अचानक उस जॉम्बी शार्क के बहुत सारे पैर निकलने लगते हैं। ये पैर उन सभी लोगों के थे जिन्हें इसने खा लिया था। वो शार्क उनके पीछे पड़ जाती है जिससे बचने के लिए वो सब कमरे की तरफ भागने लगते हैं। ऐसे में शिजुका एक बार फिर अपनी स्मार्टनेस का इस्तेमाल करती है और वो दो स्पीकर्स को प्ले करके जॉम्बीज को पानी में गिरा देती है। वैसे ये सीन बड़ा फनी भी था मगर अफसोस उस शार्क पे उस आवाज का कोई असर नहीं हो रहा था। फिर शिजुका दो मोटी बैटरीज निकालकर केंचो और अकीरा को उस शार्क को मारने का तरीका बताती है। उसे मारने के लिए उन्हें उस शार्क के सेंसिटिव पार्ट यानी उसकी नाक को चोट पहुंचाकर ही होगा और वो भी ऐसी वैसी चोट नहीं, इन्हें उस शार्क को सीधा बिजली का झटका देना होगा वो भी जोरदार। इतने में वो शार्क अकीरा पे अटैक कर देती है और इस लड़ाई में अकीरा ठीक वैसे ही करता है जैसे कि शिजुका ने कहा था। वो शार्क को करंट देकर खत्म कर देता है। अगले दिन हम कोसुगी को देखते हैं जो कि मौका देखकर एक बार फिर उन सभी को काम पे लगने का ऑर्डर दे रहा होता है लेकिन इस बार वो सभी वर्कर साथ मिलकर उसके खिलाफ आवाज उठाकर अकीरा को अपना लीडर मान लेते हैं। अकीरा वहाँ पड़े खाने का सामान और काम की चीजें सभी वर्कर्स में बांटकर अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसका दोस्त केंचो उसकी ड्रीम लिस्ट में अपना कॉमेडियन बनने का ड्रीम लिखता है और शिजुका भी उसमें अपने डॉक्टर बनने का ड्रीम ऐड कर देती है। आखिर में बारी आती है अकीरा की जो कि लाइफटाइम सुपर हीरो बनकर लोगों की मदद करना चाहता था। इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, हमने देखा कि किस तरह अकीरा की इमेजिनरी एडवेंचर लाइफ को एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस में बदलते दिखाया गया है। तो आपको किस चीज को रियल में होते देखना है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके अकीरा की तरह मेरी भी हेल्प कर देना और चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हमारा ये साथ आगे भी इसी तरह बना रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।